करवा चौथ है। हिंदू मिथोलॉजी के अनुसार महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं। देखिए, प्रुद्ध महिला, एडवोकेट महिला, शिक्षित महिला, समाजशास्त्री, आई एम फील इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, एम फील इन सोशोलॉजी, LLB एंड रजिस्टर्ड एडवोकेट फ्रॉम बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, श्रीमती माया देवी कमल। ये देखिए व्रत रख रही हैं और ये पूजा अर्चन कर रही हैं। पूजा अर्चन वंदन साइकोलॉजिकल नेचुरल अपने ईष्ट देवताओं को, अपने ईष्ट पूर्वजों को याद करना, उनके प्रति आभार व्यक्त करना, अच्छे कार्यों को याद करना, संस्कृत को आगे बढ़ाना और इस पूरे विश्व के लिए शांति का पाठ पढ़ाना, शांतिमय बुद्धमय संस्कृत को आगे बढ़ाना। भारत बुद्धमय देश है, भारत बुद्ध का देश है, जहाँ हमारी सभ्यता में शांति, धर्म, उपासना, अभिव्यक्ति की आजादी है। विश्वास, धर्म, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है भारतीय संविधान की आत्मा। प्रस्तावना भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है और आर्टिकल 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द रिलीजन वर्शिप। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज फ्री टू वर्शिप ऑफ हिज ओन काइंड, देयर इज नो लिमिटेशन, यू कैन फॉलो योर ओन पाथ, इन ओन मैनर यू कैन वर्शिप, दैट इज फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो हियर बाय ऑल द पीपल दे आर फ्री टू फॉलो द पाथ ऑफ देयर ओन रिलीजन कल्चर एंड सी। ये देखिए इस तरह से वक्र तुंड महाकाय सूर्यकूटि सम प्रभा निर्विघ्नं कुरुमिउदीव सर्वकारीषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकूटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुमिउदीव सर्वकारीषु सर्वदा। नमस्तुभ्यं 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 नमो नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहि सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। गजाननं भूतगणादिसेवितम् कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शुकविनाशकारकम्
नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं वायुर्यमु व अग्निवरुणाशशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्यै नमो नमस्तीति सहस्य कृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ति शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरीशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् ॐ भूर्वभुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहि सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्तिमामृतात् सर्वमङ्गलं भवतु सर्वमङ्गलं भवतु साधु साधु साधु। धर्म की विजय हो, धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो। हाँ बताएं आप, ये इसकी कथा आप सुना दीजिए, सुनाइए। आज करवा चौथ है, करवा चौथ में हमारी सभी महिलाओं की आस्था और आगे आने वाले जीवन को सुखमय खुशहाल बनाने के लिए ऐसी आस्था रखते हुए अपना धार्मिक त्यौहार मनाती हूँ। कहा गया करवा चौथ माता सभी महिलाओं की सुरक्षा और रक्षा करती हैं, ऐसा जीव प्राणी का सोचना है। इस तरह से करवा चौथ का आज विधि विधान से पूजन किया जाता है और करवा चौथ माता से आशीर्वाद सुआशीष लिया जाता है कि हमारे परिवार पे हमारे सर्व सम्मति परिवार सर्व ज्ञानी परिवार को सुरक्षित और निरोगी यशस्वी दीर्घायु बनाने की कृपा बनाए रखें। इसी व्रत को मनाने के लिए करवा चौथ की करवा चौथ की कथा प्रचलित है जो कि मैं बोलना चाहूँगी, वो इस तरह से है। आज कार्तिक मास की चौथ तिथि है जिसको हम करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत रख कर, निर्जला व्रत रख कर और सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत मनाती हैं और बड़े श्रद्धा प्रेम और उत्साह के साथ और बड़े प्रेम से इस व्रत को सुबह से नहीं, ये कह लीजिए बीते दिन बीती रात 12 बजे से शुरुआत होती है और बड़े मनोयोग से इस व्रत को करती हैं और बहुत ही मनपूर्वक बहुत ही प्रेम पूर्वक सभी काम संभालते हुए करवा चौथ का व्रत अपने परिवार के लिए दिन दुनी रात चौगुनी प्रोग्रेस उन्नत दीर्घायु यशस्वी बाल बच्चों की सभी की कामना करते हुए ये व्रत का शुरुआत करती है। कहा गया प्राचीन काल में एक दुजी नाम का ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरवती नाम की कन्या थी जी। वीरवती प्रथम बार
करा चौथ व्रत के दिन भोग से व्याकुल और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तभी सब भाई यह देखकर रोने लगे, क्योंकि सात भाइयों के बीच में इकलौती बहन वीरावती थी, जो सभी भाइयों की बहुत लाडली और दुलारी थी। बहन का धरती पे गिर जाना सभी भाइयों को देखा न गया तो वो सोचने लगे कि क्या किया जाए। तो सभी भाई मिलकर जल से मुंह धुलवाकर एक भाई बट वृक्ष पर चढ़कर छलने में दीपक दिखाकर बहन से कहा कि बहन, चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठी तो क्या देखती है, पहले कौर में जैसे भोजन खाना शुरू करती है तो पहले कौर में उसको बाल निकलता है, जब दूसरा कौर मुंह में डालती है तो उसको छींक आती है, और तीसरे कौर जब डालती है तो ससुराल से बुलावा आ जाता है कि ससुराल में उसने देखा कि उसका पति बीमार पड़ा हुआ है और प्राण विहीन है। संयोग से वहाँ इंद्राणी आई। वीरावती उन्हें देखकर विलाप करते हुए बोली, हे माँ, यह किस अपराध का मुझे फल दिया है? और प्रार्थना करते हुए बोली कि हे माँ, मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी जो करवा चौथ माँ के रूप में इंद्राणी आई और वहाँ कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रोदय चंद्रमा को अर्घ दे दिया था, मतलब चंद्रमा नहीं निकला था। तुम्हारे प्यार में जो तुम्हारे भाई थे तुम्हारा दुख ना देख सके, उन्होंने आर्टिफिशियल चंद्रमा बनाकर तुमसे यह व्रत करवाया है, उसी का ये परिणाम है। तब उसी के फल से हुआ, ये जो सब घटना घटी है उसी के परिणाम स्वरूप हुआ है। अतः अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत व करवा चौथ का व्रत श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो चुकेगा। यह प्रक्रिया पूरे एक साल तक करना होगा, क्योंकि चौथ माता अगले साल कार्तिक चौथ में ही आएगी। इंद्राणी के ये वचन सुनकर वीरावती ने विधि पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ को बड़ी भक्ति भाव से किया, और इन व्रतों के प्रभाव से उनका पति पुनः देवता सदृश पुनः जीवित हो चुका। ऐसी ये कथा प्रचलित है, जो कि हम महिलाओं को बड़ा धैर्य धारण करने की आशा देता है कि कोई भी काम या कोई भी घटना घटने के पीछे आने वाले समय में अच्छा से अच्छा होने वाला होता है, तभी हमें इन घटनाओं से रूबरू होना पड़ता है। इसलिए सभी महिलाएं अपने श्रद्धापूर्वक माता करवा चौथ की पूजा करके अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कामना करते हुए ये व्रत को कहती हैं और चंद्रोदय अर्घ दे करके व्रत खोलती हैं अपने पति के हाथ से। ऐसा मानना है कि जोड़ा हमेशा सलामत रहता है, दोनों की खुशियों में पूरे घर की खुशी भी रहती है। जय जय जय। तो साथियों, ये आपने सुना कि करवा चौथ माता किस तरह से एक महिला की समृद्धशाली जीवन के लिए लाभदायक होती हैं और उनको आशीर्वाद देती हैं। इस कथा का महत्व हिंदू मिथोलॉजी में और समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए ये कथा प्रचलित है, और साइकोलॉजिकली
आप देखेंगी तो परिवार की धुरी है हमारी महिला शक्ति, और मातृशक्ति को हम इस भावना के साथ याद करते हैं, मातृशक्ति को नमन करते हैं। क्यों? नारी से ही नर होत हैं और नारी से नर होत हैं, नारी नर की खान और नारी से नर उपजें, ध्रुव प्रहलाद समान, डॉक्टर बाबा साहब समान। तो इसलिए हमारी सभी महिलाओं को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित हैं डॉक्टर संतोषी लाल कमल की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए।